शहबाज साहब सोलह दिन इंग्लिश में 1674 डेज आप अगवा रहे ये जो आपने किताब लिखी है ये उसकी एक पूरी मेमोयर है यह आप कह लें एक ऑटोबाग्रफी आई वोडेंट सेंगट एंडिकली इसके अंदर वो टाइम मगर यार साढ़े चार साल आप रहे हैं वहाँ पे पढ़ा सा मैं लूडो तो ले <laughs> <लांगी> <laughs> मुझे ये नहीं पता कि मैं आपसे ये गुफ्तु किस तरह किस एंगल से शुरू करूं तो चले मैं इधर से कर लेता हूं कि ये बुक का ख्याल आपको कभी वहां पे रहते हुए आया था या मे भी जिस तरह आपने बुक में अपनी लिखा है आपने एंडिंग नोट लिखा हुआ है आपको वो छोड़ गए थे मोटरसाइकिल के ऊपर जी कहीं इस पूरे दरमियान आपको आता था जहन में कि शायद मैं अगर निकल गया यहाँ से तो किताब लिखूंगा मुश्किल सवाल है बिकॉज मैं एक्चुअली एक डायरी रखता था उधर अच्छा डे टू डे जो मेरे साथ होता था मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ये डायरी पढ़ेगा या यू you नो know, बस एक तरीका था टू स्टे इन टच विद माई सेल्फ एक्चुअली जब मैं वापस आया तो मेरी छोटी बहन जो है शी वॉज जर्नलिस्ट एंड उसने मुझे बिठाया और समझाया कि देखो एक फैमिली लेगेसी भी है मेरे जो दादा थे वो मोहम्मद दीन तासीर थे वो एक शायर थे बड़े फेमस पाकिस्तानी शायर थे आ, मेरे खालू दादा जो थे वो फैज अहमद फैज थे और वो आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में सबसे रिवेलियस एडिटर और फिनल शायर थे और मेरे वालिद साहब ने भी किताब लिखी थी भोटो साहब पे तो इससे बेहतर ऑनर नहीं हो सकता कि इन तीन लोगों के साथ एक कैटेगरी में बंदा आ जाए और वो भी you know, सिर्फ मेरे बारे में भी और ये रह मैं एक ग्रुप के साथ था जो उजबेक थे जब हुँ. उनकी दूसरे अफगान तालिबान के साथ जब इनकी जंग, हो जंग हुई थी उसके अंदर आई लॉस्ट एवरी तो मैंने तकरीबन छ महीने अफगान तालिबान के तालिग जेल में गुजारे बिफोर मैं भागा तो मतलब वो फिर घूम गई थी आप उधर से भागे हैं या उन्होंने आपको छोड़ दिया था मिक्सचर था मैं हंसी मजाक में तो यही कहता हूं जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था उन्होंने मुझे पैसे दे के वापस भेज दिया <laughs> तो आपने जिस तरह अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि एक बिल्कुल और जिंदगी आप गुजारते थे इस पूरे वाक से पहले और फिर आपने उसका कंपैरिजन भी उस बुक में लिखा हुआ है कि जब वहाँ पे मेरे साथ ये होना शुरू हुई और डे आफ्टर डे एक चीज़ चल रही है तो वो कंपैरिजन भी आपको बड़ा स्ट्राइक किया कि मैं अभी तक किधर रह रहा था या हम सब अपने अपने ज़िंदगी में बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज आज मेरा ये नहीं हुआ आज मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया घर वालों ने ये मोबाइल नहीं लेके दिया या फला अम्मी ने यह कह दिया अबू ने यह कह दिया और उसके बाद एकदम वो सब चीज़ें ऐसे सकआउट हो गई हैं और एक वैक्यूम है जिसके अंदर वो मैटर ही नहीं करता कि मतलब वो एक याद ही रह जाती है वो मसला भी आपका मैं लोगों को ये बताता हूँ मैं 26 साल का था और मैं नॉर्मल ऑफिस जा रहा था जैसे मैं हर दिन जाता हूँ और जाता था और मेरे बड़े प्लान्स थे और सोच थी और मैं एक इधर भी एक डायरी रखता हूँ जिसमें मेरा डे टू डे मैं अपना लिखता हूँ मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है और वो जैसे आप कह रहे हैं इट्स इनकॉन्सिक्वेंशल इस सब कुछ का कोई फ़ायदा नहीं है एंड आपकी जो बेसिक ज़िंदगी की ट्रेनिंग है सिर्फ ये नहीं कि ये सब ख़त्म हो गई है मगर एक बिल्कुल अजीब सा मंजर है जहाँ ज़मीन पर सो रहे हैं हाथ बंधे हुए हैं बाथरूम नहीं है खाना नहीं है जुल्म कर रहे हैं जुबान उसबे हैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या कौन लोग हैं क्या बातें कर रहे हैं एक किस्म का अंधेरा है और परमानेंट अंधेरा है आपकी जिंदगी पे प्रो लॉन्ग पीरियड जिसके ऊपर कोई आपको बता नहीं सकता फॉर एग्जांपल पहले दिन अगर मुझे कोई कहता साढ़े चार साल तो शायद साढ़े चार साल सोचते हुए मैं मर, मर जाता मगर सातवें महीने में कोई मुझे कहता साढ़े चार साल में ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं शायद यू नो वो अगर किताब कभी पढ़े आप तो वो उसमें बहुत ज्यादा वाकियात है ऐसे के फला पॉइंट पे क्या हुआ पॉइंट पे क्या हुआ फिर एक तो आपने वो एयर स्ट्राइक का भी उसमें बड़ा जिक्र किया हुआ है कि जिसके अंदर साथ वाले घर के ऊपर रॉकेट मार दिए ड्रोन अटैक अमेरिकन ने ड्रोन अटैक किया वो एक टेररिस्ट को मारना था और वहां पे भी अल्लाह का शुक्र है कि आप बचे मगर उससे पहले बहुत बुरी तरह जख्मी भी हुए थे आप दो ड्रोन स्ट्राइक में था तो पहली वाली जो थी वो अबू या लिबी को उन्होंने टारगेट किया था मैं सात वाले घर में था तो काफी बुरी तरह जख्मी हुआ दूसरी वाली ड्रोन स्ट्राइक में उन्होंने उस बैकियों को ही टारगेट किया था अच्छा तो मैं उस मरकज में था जहां इनको ड्रोन किया था तो मतलब ये मेरे लिए अजीब बात होती है क्योंकि आई थिंक दुनिया में शायद तीन या चार लोग हैं जो ड्रोन स्ट्राइक से बचे हों माशाल्लाह यू आर वन ऑफ दोस वो लकली मगर वैसे आप उसके बाद अमेरिका गए हाँ मैं अमेरिका काफी आ, है। तो मेरे... आ कभी वहाँ पे किसी अमेरिकन कोई आपकी मुलाकात किसी से हुई हो गवर्नमेंट या उससे उन्हें पूछना तो था कि यार पढ़े लिखे लोग ना सर डायरी तो लिख ली मैंने ये खाना खाया मैंने सैंडविच के साथ ये साग ये मंचूरियन थे वहां से भाई पूछा किधर जा रहे मैं बाजू दे मंगेतर नाल खोल जा आपने एक टाइम गुजारा था जब आपके किडनैप हुए थे बहुत सीरियस एंड आई एम श्योर कोई भी इंसान आपकी जगह होता पूरी लाइफ के लिए वो ट्रामेटाइज रहता उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मेंटल हेल्थ आपकी मतलब कितनी डैमेज हुई है या आपको वापस आके क्या लोगों को जवाब भी कोई आपसे सवाल पूछते हैं आपको फ्लैश आते हैं या आप रहे हैं या या आप रहे का हालत आपकी बेहतर होगी है ये डॉक्टर फिल की छोटी बहन है मैं थोड़ा सा डीट था तो उनके लिए मुश्किल हो गया था मगर जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने एंड में मुझे पैसे दिए तू वापस एक बहुत रोमैटिक एक्सपीरियंस है sure. जो मैंने वो साढ़े चार साल गुजारे थे उसमें मेरे पास सिर्फ एक चीज थी और वो अल्लाह था Allah. और कोई चीज नहीं wow. और अल्लाह ने मुझे अपनी हिफाजत में रखा और द फैक्ट कि मैं अपनी जिंदगी जहाँ छोड़ी थी वहाँ से कंटिन्यू की और मेरे काफी दोस्त हैं देव ऑल हेल्प एक तो मेरा ईमान है और दूसरा जो मेरी एक दुनिया की सबसे बड़ी मैं कहता हूँ अमेजिंग चीज़ है वो मेरा खानदान है मेरी पाँच साल जिंदगी जो है वो रुक गई और दुनिया आगे चलती गई और जब मैं वापस आया तो गेटिंग ऑन विद इट वॉज डिफिकल्ट बट मेरी वालदा इज द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल जो मेरी जिंदगी की सबसे सीरियस चीज़ है वो मेरा ऑफिस और काम है और वो मेरे से नहीं हो रहा था मेरे मेंटल कैपेसिटी टू बी एबल टू सिट थ्रू अ नाइन टू फाइव वो खत्म हो गया था इट्स नॉट इजी आई थिंक जब ये वापस भी आया था तो ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन बड़ा टाइम लगता है जिस तरह इसने अपने आप को सबके साथ दोबारा से आकर उन्हीं के साथ बड़ा कुछ चेंज हुआ है नॉट जस्ट दिस मच ऑफ थिंग्स हैव वैसे oh. आप पहले जानती वी वी न्यू बट बिकम क्लोजर सिंस आई केम बैक सो यू नो वेरी इसलिए कपड़े टेलीफोन भी वापस दोनों ने दाई टांग पे टांग रख लिया किरण आपने मॉडलिंग भी किया एक्टिंग भी किया दोनों में आप बहुत सक्सेसफुल रही हैं क्या आने वाले दिनों में आपका सियासत को ज्वाइन करने का प्रोग्राम है सियासत पॉलिटिक्स <laughs> का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है शौक़ है पर जो हालात हैं मुल्क के वो बाकी लोगों में ही रहें तो बेहतर है जिंदगी में हर काम आपने कर लिया है एक्टिंग भी कर लिया आपने इंशाल्लाह डायरेक्टर भी बनेंगी सब कुछ होगा एक जिंदगी का जो एक अहम फैसला है वो कब करेंगी आप वो जब आप राजी हो जाएंगे

हमारा खानदान बड़ा अजीम खानदान है वो कैसे मैं उन कसीरा। बड़े पैसे ने को